वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से वीडियो में, ब्लॉग में नहीं वीडियो में। आज का टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बट पहले अपना थोड़ा सा मूड बना ले भैया। अरे रोड तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है इधर का। कौन सी चीज़ है जो आपको छपरी बना रही है या उसकी ओर ले जा रही है, तो उसके ऊपर बात करेगा अपन, चर्चा करेगा। वैसे तो ओहो सनसेट, व्हाट द हेल यार, सनसेट क्या बढ़िया लग रहा है, पूरा रेड रेड हो रहा है आजकल। गलत टाइम पे मैं बाहर निकल रहा हूँ, थोड़ा सा और जल्दी करना चाहिए। लास्ट के जो कुछ पॉइंट्स रह गए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, और अब ज़रूर देखना क्योंकि उस पर बहुत कुछ डिपेंड है। तो चलो, पॉइंट नंबर वन है हेलमेट। आजकल क्या समझ आगेगा, कुछ बंदों को ऐसा लगता है कि हेलमेट सेफ्टी के लिए नहीं है, बस दिखावे के लिए, और कंटेंट क्रिएटर्स तो बस ऐसे ही पहन के घूमता है, मतलब गोप्रो रहना या तो फ़ोन होल्ड करके रखना इसलिए होता है। बट ऐसा घोचू लोगों को समझना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्या है, ये काम कैसे करता है और कितना इम्पोर्टेंट है। हेलमेट्स को कोई सीरियसली लेता ही नहीं यार, और ख़ास करके अपने विलेज साइड में। हेलमेट के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, छपरियों की अगर पहचान करनी है या तो छुपानी है, वो उनके कलर से होती है, मतलब जो बाल को कलर करता है वो छुपाते नहीं है, उन्हें दिखाना होता है कि यस आई एम अ छपरी राइडर। तो उससे पता चलता है कि छपरी है वो, मतलब होता है ना एक टाइटल होल्ड करके रखते हैं। अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो या तो BGMI खेलते हो, तो उस पर होता है ना एज डोमिनेटर या तो कॉन्करर ही हो, उसकी तरह मैं बता रहा हूँ आपको। वैसे उनका वो टाइटल है, उनकी पहचान करनी है तो उनके बाल एक बार चेकआउट कर लेना, उससे ही अंदाजा लग जाएगा कि कैसा है वो। नेक्स्ट पॉइंट आपका राइडिंग स्टाइल या तो राइडिंग एक्शन या तो चलाने का ढंग बोल लो, कुछ भी बोल लो उसे, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी मैं भी रैश ड्राइविंग करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, हाइपर राइड्स वगैरह बहुत अपने चैनल पे तो वही है बहुत कुछ, पर आप एक भी वीडियो में नहीं देखोगे कि मेरा जस्ट हैंडल और एक कोई कार के बीच में एकदम क्लोज है, तो मेरी परछाई भी पड़ रही है उस पर। ओके, इतना डिस्टेंस रख के चलता हूँ मैं। हाँ, हाइपर राइड होती है, एक होती है हाइपर राइड जो कि वेस्टर्न में आपको देखने मिलती है, वही मेरे चैनल पे भी है, और एक सेकंड हाइपर राइड होती है जो कि कट्स वगैरह यू नो छपरी के, ऐसे कि हाँ भाई हम ही इधर के बादशाह ऐसे चलते हैं, वो छपरी अलग होते हैं, मतलब वो अलग ही कैटेगरी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो है राइडिंग गियर्स और राइडिंग मतलब नहीं है सेफ्टी प्रपोजेस। अब देखो, ग्लव्स है, शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। छपरी लोग क्या करते हैं, अपनी वॉशरूम की 200 रुपये की चप्पल होती है, पूमा वगैरह लिखा होता है फेक ब्रांडिंग के साथ, वो पहन लेता है और निकल लेता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आई एम लुकिंग कूल डैम शिट यू नो। मैं अगर ऐसे सबकी खामी निकालूँ, मतलब छपरी क्यों सर्टिफिकेटेड है वगैरह वगैरह, और एक एक यार बाइक को कैसे भी रैप करना, कैसे भी डिज़ाइन करना, स्टिकरिंग करना, ऐसे बहुत से पॉइंट्स है, हज़ारों करोड़ों पॉइंट्स है जिससे कि छपरी बनता है। अभी देखो मेरे भी मिरर्स नहीं है, आप जज कर सकते हो कि छपरी हो, तो मैं एक्सेप्ट करूँगा इस चीज़ को क्योंकि हाँ भाई अभी अपन गलती में भाई जो गलती है वो है, बट अभी मिरर्स क्यों नहीं है, मुझे चाहिए थोड़ा सा लाइट वेट इसलिए। बाकी तो सीन ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा करके मिरर्स वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, फोल्ड ही रखता हूँ, बट तो भी यार मतलब गिन सकते हैं मुझे, मैं सच बोलता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सब सही मैं गलत, सॉरी मैं सही सब गलत ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि होता है ना यार, देखो मेरे भी मिरर्स वगैरह नहीं है, बट ये मिरर्स लाइट वेट के लिए है, मतलब ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अपना सीन चल रहा है इसलिए मैंने मिरर्स वगैरह हटा दिया है। हाइपर राइड्स वगैरह में मिरर्स वगैरह का कुछ इतना काम नहीं होता है, और टॉर्क में भी फ़र्क पड़ता है, BHP में भी फ़र्क पड़ता है आराम से, तो इसलिए नहीं कर रहे, बाकी तो कुछ नहीं। वैसे भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ वो। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये सबसे मतलब ये कुछ भी नहीं, ये नॉर्मल है भाई, सच बोलूँ तो इसका मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कुछ इतना लगता भी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है छपरीनेस। बट छपरीनेस किधर प्रोवाइड किया जाता है पता है, EMI। ये जो EMI है इसके मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ यार, मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि EMI हो। EMI जस्ट ऐसे बंदों को प्रोवाइड करना चाहिए जो कि वो मतलब डिजर्व करते हैं यार, अगर कोई भी ऐसे ऊटी के ले ले तो अच्छी बात नहीं, सही इस्तेमाल करो ना EMI का तो बहुत यूज़फुल है। लाइक मेरे जैसे मिडिल क्लास जो होता है
मतलब मैंने तो ऑन रोड लिया सीधा पैसा फेंक तमाशा देख करके। छपरियों के लिए ये मैं बोलो तो एक वरदान है सच बोलूँ तो, और जो अपने जैसे कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह है उनके लिए तो बहुत मतलब क्या बोलूँ यार, वो बहुत सही यूज़ करते हैं। सबको बताया कि ई एम आई इस पर बाइक्स वगैरह लो तो हैंडल होती है सिचुएशन। बाकी एक सेकेंड, हाँ ऐसा ऑन रोड लो तो कंटेंट क्रिएटर्स का बहुत हार्ड सीन हो जाता है, और इधर पुलिस लोगे यार आगे से जाना चाहिए उधर से घूम के। और इधर पुलिस वगैरह क्या कर रही है नहीं पता, अगर इधर बीच में से ही जाता ना तो चलान कट जाता। और वो देखो उधर पुलिस किसका तो चलान फाड़ रही है। ईएमआई इसके तो मैं खिलाफ ही हूँ, साथ ही साथ ऐसे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके कि और भी खिलाफ हो। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर को आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप उनको, आई नो उनको फॉलो करते ही रहोगे आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हो। आई नो कि आप उन्हें फॉलो करते होगे तो आज जो कंटेंट देख रहे हो या हाइपर राइड क्यूट गर्ल्स एंड वगैरह वगैरह या जो ऐसा कचरा या तो कूड़ा फैला रखा है सोशल मीडिया पे, तो इस चीज़ पे तो मैं ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करूँगा। सभी को पता है कि एक क्वालिटी कंटेंट किसे बोलते हैं और एक छपरीनेस कंटेंट किसे बोलते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें वही ठीक है। बट इसमें बराबर का हिस्सा है, कंटेंट क्रिएटर्स ने फोकस करना चाहिए अपने इस पर कि भाई जो ऑडियंस हो या तो जो पब्लिक है जो देख रही है उन्हें सही इंटेंशन से अब प्रोवाइड करो यार। सब ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं और चल लेते हैं यार बंदे लोग, पसंद नहीं आता है मुझे। इधर की साइड में एयर विंड कुछ ज़्यादा ही है रे भाई, फील हो रहा है रे। वैगनर 10 लाख हॉर्स पावर से बनी हुई, अपने पास भी वैगनर ही है तो ज़्यादा बेइज्जती नहीं भाई। 1300 cc है, भूसा बोलो भूसा, 1300 cc। कंटेंट क्रिएटर्स को भी समझना चाहिए यार, मतलब मैं तो ज़्यादा करके दोष कंटेंट क्रिएटर्स को ही देता हूँ। अगर वो सही से सब कुछ एक्सप्लेन करे और सही से ऑडियंस मेंटेन रखे तो अच्छी बात है। मैं भी हाइपर राइड्स वगैरह करता हूँ बट कंपेयर टू देम यार अपना बहुत सेफ्टी के साथ होता है। ऐसा ही नहीं चप्पल पहन के बाहर निकल रहे हम, सेफ्टी वगैरह देखते हैं। भले ही कम सीसी बाइक है, 155 cc है, बट कोई ना अपने पास भी जल्द एक अच्छी खासी बाइक होगी, मतलब इनलाइन 4 ना ही हो तो भी चलेगा, बट एक हाई सीसी बाइक हो वही बहुत है अपने लिए। एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट नहीं है, मुझे एक राइड करनी है बट समझ नहीं आ रहा है राइड के लिए किधर जाऊँ। गाइस कमेंट करना यार, कोई तो सिटी घूमने का मूड है मेरा, तो आप जिस सिटी से ज़्यादा उठाएंगे उस सिटी में अपन ट्रैवल करने जाएंगे। चलो आपको मिलने आऊँगा। जिस सिटी के भी ज़्यादा लाइक्स या तो कमेंट्स हो गए कुछ भी हो लो तो मैं वो सिटी विजिट करूँगा, ज़रूर करूँगा। और ये कुत्ता गैंग कितना है रे इधर, ये बाबा इतना कुत्ता गैंग का ही कुछ ही है इधर, क्या लफड़ा हो गया है। बाकी तो ख़त्म है भाई, मतलब आप समझ सकते हो तो समझ लो वरना छोड़ दो। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि छपरीनेस कम हो जितना मेरे से हो सके, मैं नहीं चाहता कि और छपरीनेस बढ़े। वो हेलमेट बहुत अच्छा था, मतलब वेगा का था कोई तो, बड़ा अच्छा लग रहा था उस बाइक पर, सूट हो रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि छपरीनेस थोड़ा सा कम हो, कम क्या यार, मैं मतलब बस चले ना ख़त्म ही कर दूँ। और ये तो कार सालों के लिए तो क्या ही बोलूँ, कुछ बचा ही नहीं है कार सालों के लिए, शब्द नहीं है मेरे पास इनके लिए कुछ। और नगर पालिका, अबे ये पूना नासिक बाईपास है, हाईवे भाई इतना बड़ा, कम से कम इसकी तो केयर करो ना, समझो गधो, अच्छा लगता है हाँ। और सबसे बड़े मूर्ख तो हाँ मैं, जो कि ऐसा गलत इंसान को वोटिंग देता है जो कि अपनी तरफ देखता भी नहीं है। ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हो, फॉलो ही बोल रहा हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बट आपकी मर्जी से, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत करना। ये एरोगेंट ईगो नहीं है, 1.5 साल होने आया तुम्हारे भाई ने, कभी बोला नहीं है कि जाके सब्सक्राइब करो। मैं चाहता हूँ कि खुद अपनी मर्जी से अपने पास सब्सक्राइबर्स हो, ऐसा तो मैं सब्सक्राइबर्स में काउंट नहीं करता आपको एज अ फैमिली, तो मतलब छोड़ यार ये तो होता रहेगा, ये अपना पर्सनल है। बट ये छपरीनेस वगैरह कम करो, मतलब अगर आप देख रहे हो कोई और आपको ऐसा लगता है कि मैं छपरीनेस करता हूँ मतलब आप खुद, तो वो करना छोड़ दो, सुधर जाओ यार, कुछ नहीं मिलता छपरीनेस से। ऐसा बाइक सांप की तरह लहराने से कुछ नहीं मिलता। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि चार लड़कियाँ देख के अपने को स्माइल करेगी या तो अप्रिशिएट करेगी, नहीं वो पीठ पीछे आपको ना इतने बुरी बुरी गाली दे सकते, मैं तो दे भी नहीं सकता यार, कंटेंट क्रिएटर हूँ ना, कंटेंट क्रिएटर की वजह से गाली देना भूल चुका हूँ मैं। तो गाइस अपने चैनल पे चल रहा है 100 days 100 vlogs सक्सेसफुली, अपने कम से कम 30-40 vlogs तो हो ही गए होंगे, तो बाकी के व्लॉग्स में भी जुड़े रहना। अगर कोई नया व्यूअर है चैनल चेकआउट करना, आपको इतना तगड़ा कंटेंट देखने मिलेगा, हाइपर राइड देखने मिलेगी, ट्रैवलिंग देखने मिलेगा, सब कुछ है अपने चैनल पे,
तो आप जस्ट एक बार विजिट जरूर करना अपने चैनल का, मतलब चैनल पे, चैनल का क्या होता है, मेरी हिंदी लैंग्वेज क्यों बिगड़ रही, इतनी ख़राब हो रही है। अरे छोड़ो, आज का व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं, बाकी तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइज कमेंट करके जाना कि कौन सी सिटी विजिट करूँ मैं, ओके। मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, महाराष्ट्र में होनी चाहिए, महाराष्ट्र के अगर बाहर हो तो भाई मेरी औकात और मेरी लिमिट से बाहर है, क्योंकि तुम्हारे भाई को अभी अभी खर्चा है, मतलब और बहुत ज़्यादा खर्चा है, बट अपना चैनल अब तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, तो इतना सब हैंडल करना मुश्किल है थोड़ा। तो प्लीज़ अगर कोई महाराष्ट्र में है, लाइक नाशिक हो या तो कोई भी हो, मतलब अपने इधर के सराउंडिंग में, तो मैं ज़रूर विज़िट करूँगा, आपसे मिल के जाऊँगा। बस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ताकि आपको मेरी करंट लोकेशन दिखती रहे या तो अपडेट रहो आप। तो चलो मैं तो मिलता हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मज़े में रहना, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन इफ यू सब्सक्राइब इट। ओके, बाय बाय।